हाँ बोल, क्या कह रही है? मैं इस पर्स से क्या बनेगी? हैं? क्या आदमी? अमीर आदमी बनेगी? कहाँ है आपके पास पैसे? वो तेरी हाथ में भी है? हाँ। दिखा ये ले। और आपके पास, आपके पास मेरा पर्स मेरे पास है। हाँ, और आप आपने ले लिया तो आप आपके पास आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपका पर्स। दे दिया तो मुझे, अब मेरा आपको दे दिया तो अब आपका। किसका पर्स है? मेरा है ना। और मेरा आपका, आपने अपना पर्स छुपाया। छुपाया? क्या कह रही है? क्या तो कहाँ है मेरा पर्स? ये देखो, मेरा पर्स कहाँ है? आपका पर्स मेरे पास। कौन सा है? दिखा मेरा। ये मेरा है? तो मैं भी अमीर आदमी बनूंगा ना, मेरा पर्स दे फिर। आप भी अमीर आदमी बनोगे? आपके पास तो शक्ति भी नहीं है। क्या? मारने की शक्ति। अच्छा, मारने की शक्ति? तो किसको मारना है बता? अभी मारता हूँ, तेरे को मारूं? ऐसे नहीं। फिर अपने दिल से। अपने दिल से मारना पड़ेगा? वो तेरी की। कैसे मारते हैं दिल से? पैसे वाले। पहले बता, शक्ति से कैसे मारते हैं? शक्ति से, अपनी शक्ति से। मैं भी मार दूं अपनी शक्ति से? हैं? बता, यहाँ देख कैसे मारते शक्ति से। अपने शक्ति दो। हाँ। अपने शक्ति दो, अपने शक्ति से मर जाएंगे। मर जाएंगे फिर अमीर बन जाएंगे? किसी को मारने से अमीर बनना क्या फायदा? मरने से ये एक मौत है। पहले मेरे से बात करो, किसी को मार करके शक्ति से फिर वो अमीर आदमी कैसे बनेंगे? पहले उसमें से एक नौ निकालते हैं। हाँ। फिर उसमें से कुछ निकालते हैं, उसमें से अमीर आदमी बन जाते हैं। अपनी शक्ति लो और उससे अमीर आदमी बन जाते। अच्छा, अपनी शक्ति लूँ फिर अमीर आदमी बन जाऊंगा? मैं तो अमीर हुई इस पैसे से, इन दोनों। अच्छा बता, फिर अमीर आदमी कैसे बनेंगे? पहले अपनी शक्ति लो। हाँ। फिर बातचीत से ऐसे होते, ऐसे शक्ति कैसे मिलेगी? इन रुपए से। इन रुपए से शक्ति मिलेगी? फिर क्या करना है? इनसे। हाँ। ऐसी शक्ति लो ऐसे। अरे यहाँ से मेरे से बात करना। पहले यहाँ से शक्ति आती है। कहाँ से? यहाँ से। हाँ। यहाँ से कुछ आते, फिर सिलाई वहाँ से शक्ति लेते हैं। शक्ति से। हाँ। रूपे निकलते हैं शक्ति से। वो शक्ति कहाँ से आएगी फिर? चुप रहो। शक्ति से रूपे आते हैं। शक्ति से रूपे आते। शक्ति कहाँ से आएगी? पहले आप रूपे लो। अच्छा, रूपे ले लूँ पहले? लो, मैंने रूपे ले लिए, अब शक्ति आ गई। अच्छा। हाँ बताओ। रुपए, पहले रुपए से पहले कुछ काम करते हैं, फिर अमीर आदमी बनेंगे। अच्छा, पहले रुपए से काम करें? हाँ। कैसे काम करें? पहले चादर बिछाते। हाँ। फिर बर्तन धोते। वो पहले बर्तन धो, फिर बर्तन धो के फिर चादर बिछाओ। फिर रुपए मिलेंगे, फिर अमीर आदमी बनेंगे। ये भी बात सही है, तो फिर अमीर आदमी बन जाऊंगा ना? हैं? आराम से। ये बटुए में भरने लायक पैसे मिलेंगे या बैंक भरने लायक? बैंक भर जाएगा ना पूरा? ठीक है, पूरा भर जाएगा। चलो ये भी बात सही है। और कुछ? और कुछ भी नहीं, बस इतना सही मंत्र है ये। पहले चादर बिछाओ, फिर बर्तन धो, फिर कपड़े रखो, फिर नोट मिलेंगे। हैं?
हाय दोस्तों, मैं गंगा वल्लभ। ये गुन्ना ने साधारण सा मंत्र दिया हुआ है, जिस किसी को भी भरोसा हो, विश्वास हो, वो अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आजमा सकते हैं। अरबपति, खरबपति, महासंकपति, जिसको जो बनना है वो बन सकता है। साधारण सा उपाय है, आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभ उठा सकें। और गुन्ना की आज की ये सभा समाप्त होने के करीब में है। इन्होंने अपना आसन छोड़ दिया है। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट गुन्ना के आश्रम में। तो दोस्तों, बाय।